जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी भर्ती 2019 की बात करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी जीडी पोस्ट प्रिफरेंस के बारे में आपको पूरी जानकारी डिटेल से देंगे और साथ में बताएंगे कि आखिर किस आधार पर एसएससी जीडी आपको पोस्ट देती है, या तो आप ये कह सकते हैं हम आपको बताएंगे कि आखिर एसएससी पोस्ट का वितरण कैसे करती है। क्योंकि आपको पता होगा कि एसएससी में एक साथ 8 प्रकार की पोस्ट निकलती हैं, तो आखिर किस आधार पर आपको पोस्टों का वितरण होगा? नंबर के आधार पर होगा, या तो जब आप फॉर्म भरे हैं तो जिस आधार पे सेलेक्ट किए हैं उसके आधार पर मिलेगा। इसी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी डिटेल से देंगे। और दोस्तों हम बता दें कि हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के ऊपर पहले ही वीडियो बना चुके हैं कि फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लेके जाना है और फाइनल मेडिकल में क्या क्या होगा, मेडिकल कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी डिटेल से दिए हैं और किस किस में रीमेडिकल मिलने का चांस रहता है और कितने दिन बाद रीमेडिकल होता है, इसके बारे में भी हम पूरी जानकारी आपको उस वीडियो में डिटेल से दिए हैं। तो जैसे ही वीडियो समाप्त होगा तो स्क्रीन के ऊपर दोनों वीडियो आ जाएगा, तो आप दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। हम नीचे भी लिंक दे देंगे और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे देंगे, तो आप उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर एसएससी पोस्ट कैसे देती है और उसके बाद हम बताएंगे कि आपको फिर से मौका मिलेगा अपने पोस्ट को सुधार करने का या नहीं। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी कह रहे हैं कि क्या जब हम मेडिकल देने जाएंगे या तो जब फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो क्या हमें फिर से पोस्ट सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा या नहीं, उसके बारे में भी हम जानकारी आपको इसी वीडियो में दे देंगे। तो चलिए सबसे पहले बता देते हैं कि आखिर एसएससी कैसे पोस्टों का वितरण करता है। तो देख लीजिए, हम इधर एक फाइनल कट ऑफ आपको अनुमानित बताए हैं, ध्यान में रखिएगा दोस्तों ये एक अनुमानित कट ऑफ है, और इधर दो अभ्यर्थियों का हम आपको बताएंगे कि उन्होंने फॉर्म भरते समय इस तरह से सेलेक्ट किया है तो कैसे उनको पोस्ट मिलेगी, इस आधार से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कट ऑफ बताया गया है, ये अनुमानित कट ऑफ है और मान लीजिए ये पहले अभ्यर्थी का है और ये दूसरे अभ्यर्थी का है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले अभ्यर्थी का। पहले अभ्यर्थी को मान लीजिए कि नंबर मिल जाता है 86 और उनको लगता है कि हमें सीआईएसएफ में जाना चाहिए, या तो आप ये समझ लीजिए कि उनकी पहली प्राथमिकता अब ये है कि हम सीआईएसएफ में चले जाएं, क्योंकि सीआईएसएफ का कट ऑफ फाइनली जाने वाला है 85 और हमें मिला है 86 नंबर, तो हमें सीआईएसएफ की पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उन्होंने फॉर्म भरते समय अगर गलती कर दी है, पहले स्थान पर उन्होंने अगर सीआरपीएफ को रख दिया है तो उनको सीआरपीएफ की ही पोस्ट मिलेगी, भले उन्होंने 86 नंबर पाया है और सीआईएसएफ का कट ऑफ 85 गया है। क्योंकि जो आप जब फॉर्म भरे होंगे तो जिसको आप पहली प्राथमिकता दिए होंगे तो आपकी पहली प्राथमिकता जब एसएससी जीडी पोस्ट वितरण करेगा तो वही रहेगी। तो आप समझ गए होंगे, भले ही आप किसी पोस्ट से कट ऑफ से ज़्यादा नंबर पा रहे हैं लेकिन आप क्रम में उसको पहला स्थान दिए हैं तो आपको वही पोस्ट मिल जाएगी। अब चलिए दोस्तों देखते हैं, अगर कोई दूसरा अभ्यर्थी है और वो चाहता है कि हम 82 नंबर पाए हैं और हमें आईटीबीपी की पोस्ट मिल जाए तो किस आधार पर उनको आईटीबीपी पोस्ट मिलेगी या नहीं। तो देख लीजिए, पहला उन्होंने प्राथमिकता एआर को दिया है और एआर का जो कट ऑफ गया है तो 90 और वो पाए हैं 82, तो उनको एआर की पोस्ट किसी कीमत में नहीं मिलेगी भले ही वो पहले स्थान पर रखे हैं। और दूसरे स्थान पे एनआईए उन्होंने सेलेक्ट किया है और एनआईए का कट ऑफ 88 गया है और इनका नंबर है 82, इसलिए इनको एनआईए की भी पोस्ट नहीं मिलेगी। तीसरे स्थान पर दोस्तों इन्होंने फॉर्म भरते समय सीआईएसएफ सेलेक्ट किया है तो इनको सीआईएसएफ की भी पोस्ट नहीं मिल पाएगी क्योंकि इनका नंबर 82 ही है और सीआईएसएफ का कट ऑफ कितना गया है 85। चौथे स्थान पर दोस्तों इनको इन्होंने बीएसएफ को प्राथमिकता दी है और बीएसएफ का कट ऑफ 78 गया है तो इनको बीएसएफ ही पोस्ट मिल जाएगी और ये आईटीबीपी तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहेगा कि आईटीबीपी का भले कट ऑफ 80 गया है और बीएसएफ का कट ऑफ 78 गया है, बीएसएफ से आईटीबीपी से 2 नंबर कम कट ऑफ गया है बीएसएफ का, और इनका नंबर टोटल कट ऑफ से 4 नंबर ज़्यादा हो रहा है क्योंकि बीएसएफ का कट ऑफ 78 गया है और ये 82 नंबर पाए हैं, उसके बाद भी आईटीबीपी में नहीं पहुंच पाएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण यही रहेगा कि बीएसएफ का कट ऑफ 78 गया है और इन्होंने प्राथमिकता चौथे स्थान बीएसएफ को दे दिया है वो भी आईटीबीपी के पहले, तो इनको क्या मिल जाएगा, बीएसएफ ही मिल जाएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि एसएससी जीडी किस आधार पे पोस्टों का वितरण करता है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई सीआईएसएफ चाहता है और उसके नंबर हैं 86 और उसने पहले स्थान पे सीआईएसएफ किया है तो आराम से उसी आधार पे उनको सीआईएसएफ मिल जाएगी क्योंकि सीआईएसएफ का कट ऑफ 85 गया है और उनको 86 मिला है और उन्होंने पहले स्थान पर सेलेक्ट भी किया है तभी मिल पाएगी। तो ध्यान में रखिएगा, जब आप फॉर्म भरे होंगे तो जो क्रम आपने सेलेक्ट किया होगा तो कट ऑफ के आधार पे उसी क्रम पे आपको पोस्ट की प्राथमिकता दी जाएगी। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या आप जब मेडिकल देने जाएंगे या तो फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन
में जाएंगे तो क्या आपको फिर से पोस्ट सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा या नहीं। तो हम बता दें, एसएससी जीडी ने पहले फाइनली ही आप ऑफिशियल नोटिस निकाल चुका है कि अब आपको सुधार को 100% कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप ध्यान में रखिएगा, जो आप फॉर्म भरते समय सेलेक्ट किए होंगे उसी आधार पे आपको पोस्टों का वितरण करेगा एसएससी। इसलिए आप ध्यान में रखिएगा, अब आपको सुधार करने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पहले 3 बार भी आपका ऑनलाइन एसएससी जीडी की भर्ती हो चुकी है। ये रहता था कि पहले फिजिकल होता था, उसके बाद पेपर होता था, और इस बार पहले पेपर हुआ है, उसके बाद फिजिकल हुआ है। लेकिन बात वही हो रही है, पहले भी सुधार का मौका नहीं दिया गया था और अब भी सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।